Hi all, and welcome back to yet another budget video on Ashwata's YouTube channel. And this is about the budget of our recent Jammu and Kashmir trip. If you haven't yet watched our Jammu and Kashmir series, I request you to go back to my channel and look for those videos first. क्योंकि यहाँ मैं जो भी बताने वाला हूँ, जो भी experience बताने वाला हूँ, उनके साक्षात दर्शन, वो कैसा experience रहा, वो आपको इन videos में होगा, जिससे आपको और अच्छा idea लगेगा कि जो भी मैं बता रहा हूँ, उससे आप relate कर पाओगे. So let's begin. उस video को मैंने divide किया है 10 parts में. Flight cost, itinerary, hotel cost, conveyance cost, food cost. Optional expenses, what to pack, COVID test for entering Kashmir, taking a drone on flight, and last, flying a drone in Kashmir. Section भले 10 हो गए पर मैं पूरी कोशिश करूंगा किसी तरह जल्दी बोलते बोलते सब कुछ जल्दी जल्दी आपके सामने रख दूं. और हाँ, ये जो सारा ट्रैवल है वो है दिल्ली टू कश्मीर का, और कश्मीर जाने के लिए हमें उतरना पड़ता है श्रीनगर एयरपोर्ट पर. अब बात करते हैं पहली चीज, यानी कि फ्लाइट कॉस्ट. तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि जितनी जल्दी आप फ्लाइट बुक करा के रख लो उतना कम आपको टिकट कॉस्ट पड़ेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली दिल्ली टू श्रीनगर की जो फ्लाइट्स है वो काफी कम रेट पे है. हम लोग का जो ट्रिप था वो स्टार्ट होने वाला 24 दिसंबर से, लेकिन हमने जो फ्लाइट बुक कराई थी वो करीब एक महीने पहले, करीब 23 नवंबर को हमने ये फ्लाइट बुक कराई थी. ये ट्रिप टोटल था 6 दिन का, तो अर्ली मॉर्निंग 24 दिसंबर से शुरू होने वाला था और एंड होने वाला था 29 दिसंबर की शाम को. और हमारा जो पर हेड कॉस्ट था दिल्ली टू श्रीनगर का था वो था मात्र 2300 रुपीज, और वहां से वापसी का यानी कि श्रीनगर टू दिल्ली का जो कॉस्ट था हमारा वो था 3200 रुपीज. जाने का जो टिकट था हमारा वो था एयर इंडिया से, और जिसमें हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कॉम्प्लीमेंट्री था, जो कि जरूरी भी था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का ट्रैवल हमारा शुरू होने वाला था. और आने का जो हमारा टिकट बुक था वो था इंडिगो से. जाने की फ्लाइट थी हमारी सुबह 7 बजे दिल्ली से, तो आने की फ्लाइट थी वहां से 3:30 शाम की. तो 3:30 शाम की कराने का मेरा एक रीजन ये भी था कि मैं वो दिन भी काफी कुछ एंजॉय कर पाऊँ कश्मीर में, ज्यादा से ज्यादा जी पाऊँ कश्मीर में. और सुबह 7 बजे यहाँ से जो निकलने की फ्लाइट थी वो ये था कि जल्दी से जल्दी हम लोग कश्मीर में एंटर करें. तो पर हेड कॉस्ट जो फ्लाइट का पहुंचता है वो पहुंचता है 5500 रुपीज. और हाँ, एक चीज जरूर याद रखिएगा कि इसी कॉस्ट में इंक्लूडेड हमारा सीट सिलेक्शन भी, क्योंकि अब कोरोना का टाइम जब से आया है तब से ये सीट सिलेक्शन मैंडेटरी कर दिया गया है. अगर आप टिकट बुक कराने जाते हो तो आपको सीट सिलेक्ट करने को बोलेगा, और मिडिल सीट के अलावा जो भी आइल या विंडो की सीट है उसमें 250 रुपए 350 रुपए इतना आपसे एक्स्ट्रा लेता है. तो ये जो 5500 कॉस्ट आपको बता रहा हूँ ये विद सीट सिलेक्शन है. हम लोग 4 लोग थे तो 2 का हमें पैसा नहीं लगा क्योंकि वो मिडिल सीट में हमें वाले थे, और जो 2 लोगों ने फ्लाइट विंडो सीट ली थी उसका हमें पैसा दिया था. एयर इंडिया में मुझे वो भी नहीं लगा था, बट इंडिगो में मुझे देना पड़ा था. तो टिकट बुक कराने से पहले कुछ साइट्स जरूर चेक कर लेना, जैसे गोआईबीबो, मेक माई ट्रिप वगैरह वगैरह. तो हमने जो टिकट कराया था वो था अगोड़ा से मैंने कराया था, और अगर आपको देखना है कि सबसे कम टिकट कॉस्ट कहाँ चल रहा है तो आप स्काई स्कैनर पर जाकर देख सकते हो, जो इन सारी वेबसाइट से निकाल के आपको एक लिस्ट बना के देता है टिकट कॉस्ट की. हम लोगों ने अगोड़ा से कराया था और ये काफी सही रेट पड़ गया, इतना और किसी वेबसाइट पर नहीं था. अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ जो है आइटनरी का. तो हमारा मेन मोटिव ये था कि हमें कम से कम टाइम श्रीनगर में बताना था और ज्यादा से ज्यादा टाइम हमें गुलमर्ग बताना था. रीजन, क्योंकि गुलमर्ग ही वो जगह है जिसके बारे में सोच के ही ये ट्रिप पूरा प्लान हुआ था कि हमें गुलमर्ग देखना था. बाकी चीजें उसके साथ प्लान हुई कि और क्या क्या देख सकते हैं. तो श्रीनगर में हमें कम से कम रहना था क्योंकि ऑब्वियसली श्रीनगर नीचे की हाइट पर है, तो जो स्नोफॉल के जो चांसेस होते हैं सबसे ज्यादा ऊपर होते हैं, यानी गुलमर्ग या सोनमर्ग वगैरह में सबसे ज्यादा चांसेस होंगे, सबसे कम चांसेस श्रीनगर में होंगे इस वजह से. तो प्लान मैंने कुछ इस तरह से किया था कि 24 दिसंबर को हम लोग जैसे ही श्रीनगर में उतरेंगे वहां से हम सीधा जाएंगे गुलमर्ग, और 24th का पूरा दिन हमारा गुलमर्ग में, 25th का हमारा पूरा दिन गुलमर्ग में, 26th को हम सुबह वहां से निकल के आएंगे श्रीनगर. उस दिन हम श्रीनगर में लोकल और शिकारा वगैरह जितना भी देख पाए और लोकल एक दो जगह देख पाए वो एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद अगले दिन हम लोग चले जाएंगे सोनमर्ग के लिए डे ट्रिप पे और शाम को वहां से वापस. और उसके बाद अगले दिन हम श्रीनगर छोड़ के पहलगाम जाएंगे, और फिर नेक्स्ट डे मतलब कि 6th डे जो हमारा रहेगा उसमें हम पहलगाम से चलेंगे सीधा एयरपोर्ट आएंगे और वापस दिल्ली. अब हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे होटल्स की, मतलब हम कहाँ रहे, हमने कितना पैसा खर्च किया, इस बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले गुलमर्ग. तो एज पर माई एक्सपीरियंस सिर्फ गुलमर्ग ही नहीं बल्कि पूरा कश्मीर ही थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है बाकी सारे टूरिस्ट प्लेसेस के कंपैरिजन में. अगर आप देखो तो गुलमर्ग में आपको ठीक ठाक या एवरेज होटल्स भी बहुत सस्ते नहीं मिलेंगे, और स्पेशली दिसंबर जैसे विंटर सीजन पीक सीजन होता है तो उस टाइम आपको होटल्स थोड़े महंगे मिलेंगे गुलमर्ग में. तो मैंने यहाँ पर होटल्स का अगर मैं बात करूँ तो मैंने ट्रैवल आज तक इतना ट्रैवल किया तो उसमें मैंने एक रूल ऐसा कुछ बनाया हुआ है कि अगर मुझे पर हेड 1000 रुपीज़ पर नाइट का कोई होटल पड़ रहा है, मतलब 2000 रुपीज़ फॉर वन रूम, तो मेरे लिए ये है कि चलो ठीक है ये एक मेरे बजट के अंदर का होटल है. उसके अगर ऊपर जाता है तो फिर फैसिलिटी अगर बहुत अच्छी है उसके कंपैरिजन में तो चलेगा, नहीं तो मेरे लिए अगर 1000 तक का है तो मेरे लिए ठीक है. मैंने गुलमर्ग के लिए काफी एक्सप्लोर किया सारी साइट्स पर, लेकिन सारे होटल्स जो थे वो मेरे बजट से ऊपर के ही आ रहे थे और मुझे पता भी नहीं था कि वो होटल कैसे रहने वाले हैं. फिर मैंने पढ़ा वर्गीस खान का व्लॉग जिसमें उन्होंने जिक्र किया था एक होटल का, होटल अफरवत. तो फिर मैंने सीधा गूगल से अफरवत होटल सर्च करके वहां का नंबर निकाला, सीधा डायल किया और वहां मैंने डायरेक्ट बात की, और ऑन कॉल ही वो बुकिंग हुई, और उनका जो भी बुकिंग वाउचर वगैरह था वो उन्होंने मेल पर मुझे भेजा एडवांस अमाउंट लेने के बाद. तो जो मैंने उनसे बात करके डील फिक्स की वो डील कुछ इस तरह से थी कि 9500 रुपीज में
हम चार लोग थे, दो रात दो रूम्स विद ब्रेकफास्ट, जिसमें से एक रूम था व्यू वाला, मतलब जिसमें जबरदस्त व्यू था, तो दूसरा रूम में व्यू नहीं था। तो यहाँ पर इस अगर कैलकुलेशन को आप देखो तो 2300 rupees हमारा पर हेड आता है विद ब्रेकफास्ट फॉर टू नाइट्स पर हेड। गुड डील राइट। होटल के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं, होटल अमेजिंग है पहली चीज। दूसरा, यहाँ की विंडो, ये जो है मार्केट एरिया के पास है और यहाँ की विंडो से गोल्फ कोर्स का अमेजिंग व्यू आता है। और जो यहाँ का गोंडोला टिकट काउंटर है वो हमारे होटल से करीब 20 मिनट के आसपास, 20 या 25 मिनट के आसपास वॉकिंग डिस्टेंस पर था, जितना भारी भी नहीं लगता है, मतलब इजीली आप चल सकते हो। और रूम्स के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब इतने कंफर्टेबल रूम्स थे कि कई बार तो मन होता था कि रूम्स में ही रह जाते हैं यार, बाहर ही नहीं निकलते हैं। सेम केस विद फूड ऑल्सो, खाना भी काफ़ी अच्छा था। और इस होटल से रिलेटेड जो भी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और यहाँ कहीं भी शायद शो हो रहा होगा, आप भी चाहें तो आप जब भी ट्रिप बनाओ आप जाके बात कर सकते हो वहाँ पर और अपने हिसाब से डील फाइनल कर सकते हो। वैसे आपको इस अफरवत होटल से भी सस्ते कुछ होटल्स इंटरनेट पर मिलेंगे, जैसे गुलमर्ग इन है, वेलकम इन है, तो ये होटल्स भी अफरवत के आजू बाजू में ही हैं। बट जैसा मैंने पता किया तो इन होटल्स में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। कुछ लोग जो इन सारे होटल्स में रुके थे उन्होंने बताया कि शायद वहाँ पर ऐसा भी सीन है कुछ कि सुबह पानी जो है वो जम जाता है पाइप्स में, तो बकेट्स लेके आपको सारा नहाना वहाना सारा काम करना पड़ता है। बट हमारे होटल में ये ऐसा कोई सीन नहीं था, पूरा 24 आवर्स वहाँ पर वाटर सप्लाई थी पाइप्स पे। तो होटल बुक करते टाइम आपको कुछ चीज़ें जो पता करनी है जो ज़रूरी है वहाँ पर, वो यही है कि पहली बार 24 आवर वाटर सप्लाई होना चाहिए, हॉट वाटर वगैरह आपको दे, इलेक्ट्रिक केटल रूम में होना चाहिए, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट आपके रूम में ज़रूर होना चाहिए जो वहाँ पर शायद सारे ही अच्छे होटल्स में हैं। और एक जो है बड़ा सा रूम हीटर भी, सेंट्रलाइज्ड रूम हीटर होता है, वो भी रूम में होना चाहिए, उससे आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करोगे, नहीं तो उसके बिना तो दिक्कत हो सकती है आपको यहाँ पर ऐसे ठंडे मौसम में। तो पर हेड कॉस्ट जो अभी तक पहुंचा है वो है 7800 rupees। तो अब यहाँ पर दो दिन बिताने के बाद हम तीसरे दिन जाने वाले हैं श्रीनगर में, और श्रीनगर में आपको हर रेंज के हर तरह के होटल्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, बहुत सस्ते होटल्स भी हैं, बहुत महंगे होटल्स भी हैं। तो मैंने काफ़ी चेक किया, तो मैंने जो होटल बुक किया था, हाँ हाउस बोट्स के भी ऑप्शन है, हाउस बोट उन्होंने इसलिए ऑप्ट नहीं की क्योंकि मुझे लगता है कि शायद विंटर्स में उतना कुछ मज़ा नहीं आएगा उनमें, तो गर्मियों में अगर जाएंगे कभी तो ज़रूर हाउस बोट्स में रुकेंगे। तो हम लोगों ने जो होटल्स यहाँ बुक किया उसका नाम था होटल ग्रैंड ममता, ग्रैंड ममता डल लेक के पास ही है, हालांकि डल लेक का व्यू नहीं है उससे, बट डल लेक के पास ही है। और ग्रैंड ममता जो मैंने बुक किया था, ग्रैंड ममता एक 4-star होटल है, और 4-star होटल में इसीलिए बुक कर पाया क्योंकि 4-star मतलब कॉस्टली, बट डील मुझे सही इसलिए मिल गई क्योंकि मैंने जो बुक किया था वहाँ पर रूम वो था फैमिली स्वीट, फैमिली स्वीट का मतलब है कि दो रूम्स ही एक उसमें थे जुड़े हुए आपस में, तो चारों लोग हम लोग एक ही रूम में सेट हो गए। और जो हमारा टोटल जो कॉस्ट आया था विद ब्रेकफास्ट यहाँ पर टू नाइट्स का वो था 8000 rupees, इसका मतलब 2000 rupees पर हेड फॉर टू नाइट्स विद ब्रेकफास्ट इन श्रीनगर। अब हमें अपना एक और होटल बुक करना था, जो करना था बुक पहलगाम में, जो हमारी आखिरी नाइट होने वाली थी। तो पहलगाम जो है वहाँ पर आपको बहुत सस्ते सस्ते होटल्स मिल जाएंगे, यही वो जगह थी जहाँ हमने काफ़ी पैसे सेव कर लिए होटल्स के पर्सपेक्टिव में। यहाँ जो हमने होटल बुक किया उस होटल का नाम था होटल बॉम्बे पैलेस, और इस होटल में दो रूम्स हमने बुक किए थे चारों लोगों के लिए, तो उसका टोटल जो कॉस्ट था वो था सिर्फ और सिर्फ 2100 rupees, जो कि अगर मैं पर हेड काउंट करूं तो 525 rupees पर हेड आता है। तो अब इतने एक्सपेंस में हमारे मेन जो दो खर्चे थे फ्लाइट और होटल्स वो दोनों कवर हो चुके हैं। अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ, अब बात कर लेते हैं एक और बड़े खर्चे की जो है कन्वेयंस। श्रीनगर से गुलमर्ग की जो डिस्टेंस है वो है 60 किलोमीटर, और इसमें जो टोटल टाइम लगता है वो करीब 1.5 घंटे का लगता है। तो श्रीनगर से गुलमर्ग जाने के आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, उनमें है जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपको एयरपोर्ट से निकल के कोई आपको ऑटो वगैरह कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह सेलेक्ट करके आपको जाना पड़ेगा बस स्टॉप, बस स्टॉप पे आपको बस मिलेगी जो आपको लेके जाएगी तंगमर्ग तक, तंगमर्ग से आपको दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी जो आपको गुलमर्ग तक लेके जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप श्रीनगर से कैब बुक कर सकते हो, तो श्रीनगर में जो कैब होगी वो आपको सिर्फ तंगमर्ग तक ही लेके जाएगी, तंगमर्ग के बाद आपको दूसरी कैब करनी पड़ेगी जो तंगमर्ग से आपको गुलमर्ग लेके जाएगी। रीज़न इसका ये है कि तंगमर्ग के बाद असली चढ़ाई शुरू होती है, और तंगमर्ग से गुलमर्ग का जो रास्ता है वो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक के टाइम में भी पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है, तो केवल 4x4 ही अलाउड हैं जो कि आपको वहाँ से ही करनी पड़ेंगी। तो मैंने जो रास्ता चूज़ किया वो था, एक्चुअली मैंने पता किया था कुछ कि क्या सबसे सस्ता पड़ेगा, तो ये वो ऑप्शन ये था कि अगर आप गुलमर्ग में जो आपका होटल है अगर आप वहीं से कैब बुक कर लेते हो तो वो होटल से आपको डायरेक्ट कैब लेने आएगी आपके एयरपोर्ट तक, और फिर एयरपोर्ट से सीधा आपको होटल लेके जाएगी, आपको तंगमर्ग में भी कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने भी अपने होटल बात करके ये कैब बुक कर ली। इस कैब का टोटल कॉस्ट था श्रीनगर से हमें गुलमर्ग के होटल तक छोड़ने का वो था 2000 rupees, 2000 rupees का मतलब 500 rupees पर हेड। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता दूँ, जब भी आप ये वाली कैब बुक करके जाओगे तो आप ये उससे ड्राइवर से जो है तंगमर्ग पे पहुँचने से पहले ही उसको ये पूछना मत भूलना कि आपको द्रंग वाटरफॉल भी जाना है।
द्रंग वाटरफॉल तंगमर्ग से ही एक 15-20 मिनट का डे टूर है, आप द्रंग वाटरफॉल पहुंचते हो और इतने अमेजिंग नज़ारे आप वहां देखोगे जो शायद ही आप जिंदगी में वापस कभी देखो या कभी देखे होंगे। फ्रोजन वाटरफॉल है द्रंग वाटरफॉल और बहुत अमेजिंग। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने मिस कर दिया था, मैं तब इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाया था कि मेरे को ये वाटरफॉल देखना है, बट वहाँ से आने के बाद मैंने कुछ लोगों के ब्लॉग्स देखे, तब मैंने बड़ा अफसोस किया कि यार ये मिस हो गया। तो बस आप ये मिस मत करना। तो इस कैब के बाद हम लोग 2 दिन तो गुलमर्ग में ही रहने वाले थे, तो किसी कैब की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद के 4 दिन के लिए हमें कैब की ज़रूरत थी, तो मैंने होटल वाले से बोला कि कैब का अरेंजमेंट कराया, तो उसने नंबर निकाल कर दिया। उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बताई कि अगर आप गुलमर्ग की कैब को बुक करोगे कि आप वो गुलमर्ग से श्रीनगर लेके जाए, उसके बाद 4 दिन आपके साथ रहे, तो वो महंगी पड़ेगी। अगर आप श्रीनगर से कैब बुक करते हो जो आपको गुलमर्ग में पिक करने गए के लिए आए, उसके बाद फिर श्रीनगर में आपके साथ 4 दिन रहे, आप जहाँ भी जाते हो वहाँ, तो वो आपको सस्ती पड़ेगी। कैब बुक करी हम लोगों ने क्योंकि हम लोग 4 लोग थे, सबके चारों के 4 बड़े बड़े बैग थे, तो सेडान या छोटी कार में तो आने नहीं वाले थे, तो हम लोग SUV बुक करनी पड़ी। तो SUV का जो 4 दिन का जो टोटल कॉस्ट था वो था 9,000 रुपये, मतलब 2,250 रुपये पर हेड। तो अब जो पर हेड एक्सपेंस पहुंचता है 12,450 रुपये। और इस कैब वाले का मतलब ड्राइवर का ही सीधे मैं नंबर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने दे दूंगा या यहाँ कहीं भी डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप अगर आना तो ड्राइवर से आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, उमर नाम है ड्राइवर का। तो इस सेक्शन तक आपके जो सारे जरूरी बड़े खर्चे थे वो सारे निपट चुके हैं। तो अब अगले सेक्शन में चलते हैं जो कि एक और मैंडेटरी खर्चा है और उसकी बात कर लेते हैं आप, जो है फूड जो है वो यहाँ थोड़ा सा महंगा है, मतलब क्वांटिटी थोड़ी कम आती है लेकिन प्राइस तब भी थोड़ा ज़्यादा है, और ये हर कहीं है, मतलब थ्रू आउट कश्मीर मैंने यही देखा, खाना हर कहीं में। बट हाँ, जो भी मैंने होटल्स कराए हैं उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तो आप ब्रेकफास्ट एकदम मन भर के कर सकते हो और चाहो तो उसमें थोड़ा बहुत पैक भी करा सकते हो अपने दोपहर के लिए। मैंने जो टोटल खर्चा किया खाने में वो करीब 400 रुपये के आसपास डेली था पर हेड का, और 5 दिन का खर्चा था क्योंकि 6th डे तो हम निकलने ही वाले थे नाश्ता करके एयरपोर्ट के लिए। तो 400 रुपये 5 दिन के हिसाब से तो 2,000 रुपये पर हेड आता है, तो अगर इस 2,000 रुपये को भी मैं अपने कॉस्ट में जोड़ तो टोटल जो एक्सपेंस बनता है वो है 14,450 रुपये। तो गुलमर्ग में मैं खाने यहाँ गया तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बख्शी रेस्टोरेंट वहाँ पर जो है वहाँ पर आप जाके खा सकते हो, अच्छा खाना है, काफ़ी टेस्टी है। तो श्रीनगर में 2 रेस्टोरेंट्स हैं, एक है मुगल दरबार तो दूसरा है अहडूज रेस्टोरेंट। इन दोनों का खाना मतलब फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैं, खाना बहुत अमेजिंग, स्पेशली मटन की जो डिशेज हैं बहुत बढ़िया। मटन में मटन रिश्ता, लहाबी कबाब, मटन रोगन जोश ऑब्वियसली, और वेज में नदरू यखनी और कहवा तो है ही, ये सब आपको ट्राई करना चाहिए। तो टोटल खर्चा हमारा 14,450 पहुंचा था, इसको मैं अगर कुछ और एक्स्ट्रा जोड़ के 15,000 भी कर दूँ तो 15,000 वो एक अमाउंट है जिसके अंदर ही अंदर आप जो है अपना पूरा कश्मीर का जो सपना है, वो कश्मीर ट्रैवल का जो सपना है वो पूरा करके आ सकते हो, वो भी 6 दिन, पूरे के पूरे 6 दिन, इंक्लूसिव ऑफ फ्लाइट्स, कन्वेयंस, होटल्स एंड एवरीथिंग। तो ये आपके वो मैंडेटरी खर्चे हैं जो आपको करने पड़ेंगे, 15,000 से अंदर अंदर में आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। और अब बात कर लेते हैं उन खर्चों की जो ऑप्शनल है, मतलब आपके ऊपर है, आप करना चाहो तो कर लेना, उसका प्राइस जिसका इसका मुझे पता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब गुलमर्ग गोंडोला, तो गुलमर्ग गोंडोला बहुत महंगी चीज़ है भाई, बहुत महंगी। तो अगर आप उसमें 2 फेज हैं, फर्स्ट फेज तक जाते हो तो 740 रुपीज़ है, सेकेंड फेज तक जाना है तो 940 रुपीज़ ऐड हो जाता है, तो जो टोटल कॉस्ट पर हेड आता है वो है 1690 रुपीज़। फर्स्ट फेज का नाम है कोंगडोरी और सेकेंड फेज का नाम है अफरवत। कॉस्टली बहुत है लेकिन व्यूज जो हैं अमेजिंग। दूसरा जो ऑप्शनल खर्चा है वो है स्नोमोबाइल। स्नोमोबाइल आपने मतलब मेरे वीडियोज में भी देखा होगा, फेज 1 में मैंने चलाई थी स्नोमोबाइल और केवल फर्स्ट लेवल तक ही गया था, तो उसका जो पर हेड कॉस्ट था वो था 1000 रुपीज़। इसके बाद एक और जो ऑप्शनल खर्चा था वो था सोनमर्ग का स्नोमोबाइल। आप मेरे वीडियोस में जाकर देख सकते हो कि वो कैसा एक्सपीरियंस था, वो कहाँ लेके गया था, और उसका जो पर हेड कॉस्ट था वो था 2000 रुपीज़। शिकारा जो हमने बुक किया था वो पता नहीं कितने पॉइंट्स थे, मैं अभी भूल गया हूँ, मेरे वीडियो में आप देख सकते हो, वो 2800 रुपये में हमने बुक किया था, तो 700 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से बुक हुआ था। बट ये सारी की सारी कॉस्ट जो है, स्पेशली शिकारा की जो कॉस्ट है, हाईली नेगोशिएबल है। हम लोगों ने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया बट मेरे को लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं, 2800 रुपये बहुत होते हैं, शायद 2000 तक में ही बात बन जाएगी, बट हाँ 2800 रुपये हमने दिए। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुलमर्ग में आपको गाइड की ज़रूरत नहीं है, किसी भी फेज तक जा रहे हो गाइड की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जाना, बिल्कुल भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। इसके अलावा आपको शूज़ चाहिए तो रेंट पर 100 रुपये मिल जाएंगे, जैकेट चाहिए तो वो भी ऐसे कुछ 150-200 रुपये या 300 रुपये जो भी है, शूज़ 100 रुपये है, वो आपको इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा आप मतलब ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं उन चीज़ों की जो आपको अपने बैग में रखनी है, नॉर्मल चीज़ें जो रख रहे हो उसके अलावा, क्योंकि ये विंटर कश्मीर ट्रिप है, एक तो विंटर, दूसरा कश्मीर का विंटर, तो ये ध्यान रखना कि एक जैकेट एटलीस्ट आपके पास हो जो -10 डिग्री वाली हो, तो ये जैकेट आपको सबको पता है कहाँ मिलती है, तो डिकैथलॉन जाओ वो उठा के लेके आओ।
तो बहुत काम आने वाली है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया -5 वाला जैकेट में पहन के गुलमर्ग में रात को बाहर निकला था, पूरा हालत ख़राब हो गई थी ठंड से, बट वही -10 वाला जो जैकेट पहन निकला काफ़ी आराम। एक आपको बलकलावा रखना ज़रूरी है, कि बलकलावा वो होता है, वो बैंड होता है जो आपकी नाक को कान को ढकता है, क्योंकि अगर आप नाक नहीं ढकोगे तो जब सनसेट होता है वहाँ पर बहुत ठंड होने वाली है, बहुत दर्द होगा नाक में, तो नाक ढकना ज़रूरी, थोड़ा गर्म रहता है उससे। ग्लव्स ज़रूरी हैं, प्रॉपर शूज़ ट्रैकिंग शूज़ ज़रूरी हैं, और कोशिश ये करना कि इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप अगर वाटर प्रूफ वाली ले सको तो बहुत काम आने वाली, क्योंकि आप स्नो वाली जगह में जा रहे हो, या तो आप स्नो में खेलोगे तो भीगोगे, अगर स्नो नहीं पड़ रही तो चांसेस हैं कि हो सकता है बारिश हो रही हो, तो बारिश में भी आपको ज़रूरत है, या तो आप फिर वो सर दर्द साथ में लेके जाओ कि जब भी बारिश या स्नो हो तो आप तुरंत अपना रेनकोट निकाल के पहनो। तो हालांकि मेरी जो चीज़ें थी, जैकेट जो था वो भी वाटर प्रूफ था, ट्राउज़र वाटरप्रूफ, शूज़ वाटरप्रूफ, ग्लव्स वाटरप्रूफ, तो कोशिश करना कि इस तरह से ही जाओ तो जिससे ज़्यादा टेंशन ना रहे, ज़्यादा सामान लोड करके साथ में चलने की ज़रूरत ना रहे। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो है कोविड टेस्ट फॉर एंटरिंग श्रीनगर। तो अभी सीन कुछ ऐसा है, या हमारे टाइम पर जो सीन था वो कुछ ऐसा था कि आपको रिपोर्ट लेके साथ में नहीं जाना है, क्योंकि आप जब श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरते हो तो वहाँ पर ही आपको एग्जिट गेट पर कई काउंटर्स दिख जाएंगे जहाँ पर आपका कोविड टेस्ट हो रहा होगा। बट डरने की कोई बात नहीं, मैं भी बहुत डर रहा था जाने से पहले कि क्या होगा कैसा होगा, काफ़ी क्वेश्चंस मेरे भी थे, बट मैं आपको बता दूं, आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूं, कि वहां पर मुश्किल से 5 से 7 मिनट तक आपको टाइम लगेगा, वो स्वाब लेंगे नाक से और 3-4 मिनट के अंदर ही वो पता नहीं क्या टेस्ट करेंगे, कितना रैपिड टेस्ट करते हैं पता नहीं, एक हाथ पे आपके टिक लगा देते हैं और आपको कहते हैं कि आप जा सकते हैं, बस इतना ही सीन है। आप अननेसेसरी कहीं और से दिल्ली वगैरह से पैसे खर्च करके 800-900 रुपये खर्च करके टेस्ट करा के मत लेके जाइएगा, क्योंकि शायद वो पूछते भी नहीं है कि आप लाए हो कि नहीं लाए हो, वो करेंगे ही करेंगे। अब मूव करते हैं अगले सेक्शन पर और बात करते हैं एक ऐसी टेंशन की जो जब भी मैं एयरपोर्ट पे होता हूँ तो मेरे दिमाग में रहती है, वो टेंशन है ड्रोन कैसे जाएगा, ड्रोन जा पाएगा या नहीं, अगर रोक लिया तो क्या करूँगा मैं, उस ड्रोन को कैसे वापस भेजूंगा या मुझे वापस मिलेगा या नहीं। तो अब बात करते हैं कि आप अपने ड्रोन को कैसे फ्लाइट में रख के लेके आ सकते हो। तो इससे पहले मैं जब भी गया हूँ एयरपोर्ट पर ड्रोन लेके, तो रूल्स कुछ ऐसा था कि आपको प्रोपेलर्स निकाल के ड्रोन से अलग करके उसको रखना होता था चेक इन बैगेज में, और आप बैटरीज और ड्रोन वगैरह सब लेके जा सकते थे अपने साथ केबिन लगेज में, कोई इशू नहीं होता था। ऐसा मैंने पहले भी किया हुआ, थोड़े बहुत बातचीत करते थे वहाँ पर सिक्योरिटी वाले रोक के मुझसे, बट उनको बता दो कि हाँ ड्रोन है, ये है, वो है, तो जाने देते थे, कोई इशू नहीं होता था। बट यही सोच के मैं इस बार भी गया, पर कुछ रूल्स बदल चुके थे जो मैंने आपको शायद अपने वीडियोस में दिखाया भी है। तो रूल्स कुछ ऐसे हैं अभी कि आपको ड्रोन और प्रोपेलर दोनों ही, मतलब बॉडी में प्रोपेलर लगा रहने दो, वो पूरी बॉडी आपको रखनी पड़ेगी चेक इन लगेज में, लेकिन आपको बैटरी और रिमोट कंट्रोलर वगैरह ये सब आपको रखने पड़ेंगे केबिन लगेज में, क्योंकि बैटरीज अलाउड नहीं है चेक इन बैगेज में और शार्प ऑब्जेक्ट्स अलाउड नहीं है केबिन लगेज में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं जब जा रहा था तो मुझे दिक्कत हुई, फिर मेरे को भाग के वो ड्रोन रखने जाना पड़ा वापस, बट आ रहा था तो मैंने वही रूल फॉलो किया और किसी ने नहीं रोका। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो पूछ सकते हैं कि ये बैटरी किस चीज़ की है, क्यों इतनी सारी बैटरी की, आप बता सकते हो कि आपका ड्रोन है वहाँ से आ रहा है। अब आखिरी सेक्शन की तरफ हम आ चुके हैं और बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन की जो कुछ, मतलब कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, ज़्यादा लोग तो देखते नहीं वीडियो, तो जिन लोगों ने देखा उनमें से कुछ लोगों ने पूछा कि कश्मीर में ड्रोन इतना ईजिली जो उड़ाया मैंने, क्या मैंने कोई परमिशन ली थी स्पेशल। तो मैं यहाँ बता दूँ कि मैंने कोई परमिशन नहीं ली थी। अगर आप ड्रोन पायलट हो तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ जिस चीज़ का ध्यान रखना। पहली जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आर्मी बेस कैंप के आसपास मत उड़ाना, यहाँ तक कि पुलिस का भी अगर कोई आसपास है वहाँ पर उसके आसपास मत उड़ाना, फंस सकते हो। दूसरा, जब भी ड्रोन उड़ाना, क्योंकि जब ड्रोन उड़ना शुरू करता है तो काफ़ी तेज़ आवाज़ करता है क्योंकि नीचे होता है, तो कोशिश करना कि ये जो टाइम है ड्रोन उड़ाने की जो शुरुआत है वो आप ऐसी जगह से करो जहाँ पर कम से कम भीड़ हो, जिससे अट्रैक्शन कम से कम हो, अटेंशन का अट्रैक्शन कम से कम हो। एक बार जब ड्रोन ऊपर पहुँच जाए उसके बाद आप कहीं भी ले जाओ, क्योंकि आवाज़ नहीं आती है तो आप शूट कर सकते हो, ये आप कर सकते हो फॉलो, मैंने किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका ड्रोन पकड़ा गया तो लगता नहीं कि कभी वापस भी मिलेगा या नहीं, क्योंकि वो अगर आर्मी वाले आपका ड्रोन पकड़ लेते हैं तो शायद आपको वापस दें, बट आप चाहो तो अपने डिफेंस में 2-3 चीज़ें रख सकते हो। हालांकि चांसेस हैं कि उन डिफेंस की चीज़ों से कुछ होगा नहीं, बट वो चीज़ें हैं ड्रोन का रजिस्ट्रेशन। तो ड्रोन के रजिस्ट्रेशन का वीडियो मैंने बनाया हुआ था जिसका लिंक मैं यहाँ दे दूंगा। उनको कभी ऐसा छोटा मोटा कुछ ऐसा इशू हुआ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने DGCA की वेबसाइट पर अपना ड्रोन रजिस्टर कराया हुआ, उसका DAN नंबर, मतलब ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर मेरे पास है, तो शायद ये चीज़ चल सकती है, शायद नहीं चल सकती है, मतलब वो मौका कभी ना आए तो ही ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, आप ड्रोन को कोशिश करना कि ज़्यादातर वो आपके आई साइट की रेंज पर ही हो,
क्योंकि कई जगह ये रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप ड्रोन्स को अपने आई रेंज के बाहर नहीं ले जा सकते हो, ये डिफेंस कुछ शायद ही चलें अगर आपका ड्रोन पकड़ा गया तो। दूसरा, अगर आपको किसी जगह पर ड्रोन उड़ाना है लेकिन आपको लग रहा है कि आसपास कोई पुलिस वाला या आर्मी वाला है, तो एक बहुत अच्छा तरीका है उड़ाने का, मतलब ट्राई कर सकते हो, वो एक तरीका है बात। तो अगर आप जाके प्यार से बात कर लेते हो, प्यार से रिक्वेस्ट कर लेते हो, तो हो सकता है वो आपको बोल दे कि ठीक है आप उनकी निगरानी में ड्रोन उड़ा लो, कोई टेंशन नहीं होगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने फॉलो की सोनमर्ग में। सोनमर्ग में मैंने ड्रोन निकाला उड़ाने के लिए, बट कुछ लोगों ने मुझे मना किया, तो मैंने वो ड्रोन पैक करना शुरू कर ही दिया था कि फिर मैंने देखा कि वहाँ पर ही एक आर्मी वाला बंदा था, वो खुद मुझे बोला कि आप उड़ाओ ड्रोन और जब तक आपका ड्रोन हवा में रहेगा वो भी वहीं पर रहेगा, क्योंकि जिससे कि कोई और आर्मी वाला ना आके मुझे कुछ बोले। तो थैंक्स टू हिम कि मैंने सोनमर्ग को काफ़ी अच्छे से शूट किया। बातचीत से काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, उनमें से एक ये भी है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। हालांकि डल लेक, जहाँ के बहुत सारे ड्रोन शॉट्स ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, वहाँ मेरी हिम्मत नहीं हुई, काफ़ी भीड़ थी, मैंने अवॉइड ही किया कि ठीक है रहने देते हैं, ये जगह मिस कर देते हैं, कोई बात नहीं। बट मैंने फिर उन जगहों के ड्रोन शॉट्स लिए जो कि बहुत कम ही जिनके ड्रोन शॉट्स यूट्यूब पे, जैसे सोनमर्ग वगैरह, वो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो भाई दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। और अगर आपको इस पूरे इतने लंबे वीडियो में एक भी चीज़ ऐसी लगती है जिससे आपको हेल्प मिली या आपको हेल्प मिल सकती है या किसी और को हेल्प मिल सकती है, तो एक लाइक ज़रूर छोड़ के जाइएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि मैं अभी 2-3 दिन बाद ही यहाँ से जाने वाला हूँ एक और ट्रिप में। जो ट्रिप है उसका मैं हिंट देता हूँ, एक वो हिमाचल की सेकेंड लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है जहाँ मैं जाने वाला हूँ। पहले भी कई बार सोचा है जाने का, बट कभी कोरोना की वजह से बंद, कभी कुछ, नहीं जा पा रहा था। अब फाइनली मेरा ट्रिप प्लान हुआ है, तो बने रहिएगा अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए उस जगह के भी। और अगर बजट की भी आप रिक्वेस्ट करोगे तो उसका बजट वीडियो भी बनाऊंगा। चलिए तब तक के लिए टाटा।